नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम अग्रदूत में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम समाज की ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के दम पर न केवल खुद एक मुकाम हासिल किया बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया हो। ये ऐसे अग्रदूत हैं जो खामोशी से समाज को दिशा दिखाने के काम में लगे रहे हैं, मीडिया और प्रचार प्रसार की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहकर। समाज के दूसरे लोग इन समाज सेवियों से प्रेरणा ले सकें, इसलिए हमने इनको अग्रदूत कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाने का निर्णय लिया है। हमारे आज के अग्रदूत हैं श्री नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, आपका अग्रदूत कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के जाने माने नेता श्री नंद किशोर गर्ग महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के कुलाधिपति हैं। गर्ग साहब का जन्म 26 जनवरी 1949 को हरियाणा के छज्जर जिले में कपड़े के व्यापारी लाला श्री केसी गर्ग के यहाँ हुआ। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की। आपके परिवार ने विभाजन की त्रासदी को झेला है, इसलिए बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा। दिल्ली से आपने एमएससी और कानून की शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले आपने 1971 में अग्रवाल परिषद के नाम से संस्था का गठन किया। इससे पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ चुके थे। समाज सेवा का जुनून ऐसा चढ़ा कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर आप 8 साल तक निगम पार्षद, 3 बार विधायक रहे हैं। डॉक्टर गर्ग दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार में संसदीय सचिव का दायित्व भी संभाल चुके हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी के अलावा दर्जनों संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों को आपने समय समय पर सुशोभित किया। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग कई संस्थाओं के संस्थापक, प्रधान और ट्रस्टी भी हैं, जिनमें महाराजा अग्रसेन थ्रिफ्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, अग्रोहा विकास ट्रस्ट, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन अस्पताल पंजाबी बाग, महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज रोहिणी और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जैसी संस्थाएं शामिल हैं। जैसा आपने देखा कि डॉक्टर गर्ग बीजेपी के जाने माने नेता और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। गर्ग साहब ने शिक्षा, सहकारिता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है। खास बात यह है कि इन्होंने अपनी ज्यादातर संस्थाओं का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया। आइए गर्ग साहब से ही बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। गर्ग साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में अपने मुंह से बताएं। मेरा जन्म जिस दिन देश गणतंत्र हुआ, बेशक 26 जनवरी 1950 को हुआ, मेरा 26 जनवरी 1949 को हुआ, 1 साल पहले। तो मेरा जन्मदिन पूरा देश मनाता है, इसलिए मुझे मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा परिवार पाकिस्तान बनने के कारण उकाड़ा मंडी से शिफ्ट होकर, मूल रूप से हम हरियाणा के हैं, बहादुरगढ़ के पास हमारा गांव है जसौर खेड़ी जी, तो वहां आकर एक किस्म से टिकाव किया और 1-1.5 साल में ही दिल्ली आकर व्यापार शुरू किया। सरकार से हमें इतनी देर में मुआवजे वगैरह जो वहाँ के प्रॉपर्टी के दुकानों के बदले मिले, वो मिलते मिलते 4-5 साल लग गए। इसलिए बहुत ही कठिनाई में आधे परिवार गांव में रहता था, आधा दिल्ली में रहता था। मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई 11वीं तक, और 11वीं के बाद मैं प्री इंजीनियरिंग करने फिर हरियाणा के सोनीपत में गया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरिट में रह के प्री इंजीनियरिंग की, फिर बीएससी की, फिर दिल्ली में आके एमएससी एलएलबी की, और पढ़ते पढ़ते ही सौभाग्य से मैं संघ का स्वयंसेवक बन गया। इसलिए दो संस्कार, महाराजा अग्रसेन के प्रति अग्रवाल परिवार होने के नाते और संघ के प्रति, इसलिए मेरी सभी संस्थाएं या तो सीधी सीधी संघ से प्रेरित हैं या महाराजा अग्रसेन से। और बचपन से ही ऐसा मौका मिल गया कि अपने से बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला, और आज मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ उस समाज के सहयोग से, अपने परिवार के आशीर्वाद से, दिल्ली में एक अच्छा स्थान समाज और राजनीति दोनों में साथ साथ रहकर काम करने, जो गांधी जी की सोच थी, जो डॉक्टर हेडगेवार की सोच थी कि रचनात्मक कामों से समाज में परिवर्तन आएगा, मैं उसको
बहुत मन से मानता हूँ, इसीलिए ज़्यादा समय समाज को देना राजनीति एक शौक है, उसमें भी अच्छा स्थान प्राप्त किया मैं, राष्ट्रीय कार्य समिति तक पहुंचा। आपका परिवार जैसे विभाजन के समय दिल्ली आया था और विभाजन की त्रासदी परिवार ने झेली है जैसे आपने बताया, और ऐसे में आपने समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ाए और सबसे पहले जो आपने संस्था का नामकरण किया वो भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर था, अग्रसेन परिषद, महाराजा अग्रवाल परिषद के नाम पर आपने किया था। तो किस तरीके से, क्या आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ाया जाए? जब हमने खुद देखी जो चीज़ें, अभाव जो देखे, उनको दूर कैसे किया जाए, तो उसके साथ ही अपने लोग अच्छे मिलते चले गए। मैं तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मैंने अग्रवाल परिषद बनाने के, मैं उसका मंत्री बना, 450 गज में अच्छी धर्मशाला 1.5 साल में बना के हमने दिल्ली के शहर के बाहर पहली बार अग्रवाल समाज की पहचान मिली। वहीं से हमने श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाई जो दिल्ली की आज श्रेष्ठ सोसाइटी है, 15,000 से ज़्यादा सदस्य हैं उसके, तो जिसको सस्ते दरों पर ऋण देकर लोगों के व्यापार में, ब्याह शादी में, मकान खरीदने में लगातार हम 78 से ये काम कर रहे हैं, तो एक खुशी होती है कि एक उसके साथ साथ अच्छा, लोगों को एक तरीके से कर्जा, जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग, उन्हीं का पैसा उन्हीं तक जा रहा है, कभी बाहर से लोन नहीं लिया जी। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 38 साल लगातार कोई संस्था चले बिना किसी दिक्कत के, वो चल रही है, अपना भवन है, वहीं से शुरुआत हो गई। गीता स्कूल का मुझे प्रबंधक बना दिया संघ ने सुल्तानपुरी में 1973 में ही, तो शिक्षा के साथ मेरा नेचुरल जुड़ाव था। मैंने अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाया, मेरी बहन पूरी दिल्ली में प्रथम आई थी पूरे कॉमर्स ग्रुप में, तो शिक्षा के प्रति रुझान रहा, एक स्कूल का प्रबंधक रहा, मैं उसका चेयरमैन भी रहा। धीरे धीरे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की स्थापना 1980 में हमने जगह ली, और दिल्ली का मैं समझता हूँ हार्ट ऑपरेशन में, हार्ट की बीमारी में एस्कॉर्ट के बाद नंबर 2 हैं, 400 बेड का हॉस्पिटल जो पंजाबी वाक के अंदर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, इसकी द्वारका में भी एक शाखा शुरू की है बहादुरगढ़ में, इसको पूरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में 32 एकड़ में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू है काम, और भगवान ने चाहा तो 2017 में वहाँ पर हम नर्सिंग का स्कूल और 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू कर देंगे। वहीं से आगे बढ़े तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अग्रोवा, अब पूरी यूनिवर्सिटी, तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज ने पूरा सहयोग दिया, और खुली ट्रस्टीशिप है, किसी एक परिवार का वर्चस्व ना हो ये मैंने शुरू से ध्यान किया। तो आज हमारे किसी ट्रस्ट में 2000 लोग हैं, किसी में 1500 हैं, किसी में 3000 हैं, और पूरे देश में नवीन जिंदल किसी पार्टी में हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं, तो हमने ना पार्टी का डिफरेंस रखा, समाज समाज के लिए है, और समाज के जो एसेट्स क्रिएट हों वो समाज के हों, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े हैं। आज 200 करोड़ रुपए करीब हमारे हिमाचल में लग गए हैं, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो बद्दी में चल रही है, राष्ट्रपति ने पहली बार किसी संस्था द्वारा पोषित या प्रवर्तक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। मुझे लगता है कि शायद पहली यूनिवर्सिटी है जो महाराजा अग्रसेन के नाम पर है, अकेली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अकेली है, और राष्ट्रपति ने किसी भी संस्था की यूनिवर्सिटी का उद्घाटन पहली बार किया 2013-25 मई को। आपने यूनिवर्सिटी की बात की, हॉस्पिटल की बात की, तो अगर आपसे ये जानना चाहें कि किस तरीके से उसमें समाज सेवा का आप काम करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बारे में लोगों की छवि जो है आमतौर पर बहुत अच्छी नहीं होती है। वो प्राइवेट हैं परिवारों के ट्रस्ट के जी, वो भी पिछले 15 साल में ऐसी छवि बिगड़ी है। इससे पहले आज लाला श्री राम के कॉलेज दिल्ली में चल रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज, दोनों ही टॉप के हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, परिवार का दखलंदाजी कोई नहीं, परिवार सहयोग करता है। हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, हम उस ट्रेडिशन को लेके बढ़ रहे हैं जो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में लेके चले, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले, बेशक सरकार द्वारा पुरस्कृत, परंतु पिछले 10-15 साल में प्राइवेट जो निजी लोगों ने फॉर प्रॉफिट, इसके कारण से लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए कि मैं कहता हूँ ये सामाजिक सेक्टर, सामाजिक संस्थाएं हैं, बिल्कुल सोशल सेक्टर को प्राइवेट शब्द, क्योंकि सरकार के पास या तो सरकार है या प्राइवेट शब्द है। मैं सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ बार बार, तीसरा सेक्टर है जो समाज सेवियों द्वारा पोषित है, संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, उसको इग्नोर मत करो, वही देश के लिए काम करते हैं,
बाकी तो अपने लिए काम। तो इनमें गर साहब किस तरीके से आप जो जो गरीब लोग हैं उनको किस तरीके से इलाज करते हैं, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो, और यूनिवर्सिटी की बात करें तो शिक्षा की तरफ जो है गरीब लोगों के लिए आप लोग क्या करते हैं उसमें? अब जैसे हमारे 400 बेड का हॉस्पिटल है तो 100 बेड केवल गरीबों के लिए रिजर्व है, प्योर तरह जिसमें निःशुल्क है। 100 बेड आर्थिक रूप से सब्सिडाइज हैं, जिसको इकोनॉमी वार्ड हम बोल देते हैं। 100 बेड हमारे सेमी प्राइवेट हैं, जिनको जितना खर्चा होता है उतना वसूली हो जाए, और 100 बेड हैं डीलक्स टाइप के, जिनसे कमाई से बाकी चल जाए। तो मोटा मोटा सरकार के या किसी के भरोसे ना रहें, रनिंग एक्सपेंडिचर निकलते रहें, तो ये मोटा मोटा फार्मूला है, 4 हिस्से में बांटा हुआ है। और उसके कारण से हमारा आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग OPD लगभग 1000 लोगों की रोज है, वो निःशुल्क है। और किसी भी समाज के किसी भी तबके के लोग इसमें, किसी भी वर्ण और वर्ग के लोग हैं, शब्द वहाँ यूज किया है हमने, जहाँ मेंबरशिप में भी कोई रोक नहीं है। अच्छा, किसी भी जाति का बात ट्रस्टी बन सकता है उन नियमों का पालन करते हुए, और जो राशि देनी है वो देकर। वही जहाँ अग्रवाल शब्द है वहाँ मजबूरी है, वो केवल धर्मशालाओं तक सीमित है कि वहाँ केवल अग्रवाल। अच्छा, अग्रवाल शब्द में और अग्रसेन जी के शब्द में भी फर्क अंतर है ना। अच्छा, अग्रसेन महाराजा थे, सभी जातियां उनके प्रजा में थी, तो वो तो सबके लिए ओपन है, बहुत और बहुत बढ़िया बात। के लिए काम करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिना जो हम हिंदुओं का ध्येय वाक्य है। महाराजा अग्रसेन भगवान श्री कृष्ण के समय थे, उन्होंने महाभारत युद्ध में भी पांडव पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ा था, इसलिए हमारी लेगेसी, वो क्षत्रिय होकर वैश्य बने थे। और गर्ग मुनि भगवान कृष्ण के भी कुल पुरोहित थे, महाराजा अग्रसेन जी, इसलिए हम जाति से तो ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। जाति केवल व्यवहार संबंधी बातों में या जातीय संगठन में। वहाँ अग्रवाल धर्मशाला बनाई तो अलग नाम है, महाराजा अग्रसेन भवन बनाया तो कोई भी मिल सकता है। और यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे आपने हॉस्पिटल के बारे में बताया, सबके लिए यूनिवर्सिटी, सबको शिक्षा देने के लिए, उसके अंदर जो खर्चे निकालने के लिए सरकार फीस निश्चित करती है। दिल्ली में भी सरकार फीस निश्चित करती है, एडमिशन सरकार करती है, 90% सीटें सरकार भरती है, 10% हमें अधिकार है प्रबंध समिति को कि वो अपने लोगों को मेरिट में ध्यान करते हुए एडमिशन देते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा भी वैल्यूज जो बच्चों को सिखाई जाएं, किस तरीके की एजुकेशन देने की आप कोशिश करते हैं? नैतिक शिक्षा को बल दिया है, जो एथिकल एजुकेशन है जो समाप्त हो गई थी, सर्वधर्म संभाव की बजाय हम सेकुलरिस्ट ज़्यादा बन गए, और सेकुलरिज्म में क्या है कि नैतिकता पढ़ाना भी बंद कर दिया, जिसके कारण से आज समाज में जो कुछ हो रहा है, जो रोज़ हम देखते हैं, वो क्यों हो रहा है? बलात्कार, शोषण, हत्याएं, अपराध क्यों बढ़ते हैं? भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे अंदर से जो भय था धर्म का, जो आचार विचार के अंदर एक शुद्धता होनी चाहिए, तो धीरे धीरे आज़ादी के बाद हमने उसको समाप्त कर दिया। चरित्रहीन व्यक्ति फिर कैसा समाज बनाते हैं? वो बनाते हैं। दुर्योधन में और युधिष्ठिर में क्या अंतर था? युधिष्ठिर धर्म पर चलता था, दुर्योधन धर्म को तोड़ के चलता था। तो भगवान ने भी जो अपना आशीर्वाद युधिष्ठिर को दिया था, इसलिए वो धर्मपुत्र कहलाए, धर्मराज कहलाए। दुर्योधन को आज हम घृणा की दृष्टि से देखते, वही आज समाज में, आज हम सारी ही राजनीति में लोग जो आ गए वो धर्म को अछूत कहेंगे, धर्म विहीन समाज। गांधी जी ने कहा था कि धर्म विहीन समाज या राजनीति वेश्या के समान है। जो हमारे राष्ट्रपिता, उनकी बातों पर भी देश नहीं चला, पर अब चल रहा है मुझे लगता है। पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज के अंदर कुछ वैदिक शिक्षा की भी बात करते हैं, कि वैदिक शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, क्या है थोड़ा सा इसके बारे में? उसमें वैदिक शिक्षा की बजाय हम ये कह रहे हैं कि जो भारत की प्राचीन धरोहर है, भारत ज्ञान विज्ञान में सबसे आगे था, और हमारे इसलिए ध्येय वाक्य भी ज्ञान विज्ञान अभ्याम कौशलम। मोदी जी क्या कह रहे हैं? कौशल विकास। ज्ञान होगा तो विशेष ज्ञान ही विज्ञान है, और उससे कौशल होगा, हाथ का काम आएगा, तो हम रोजगार देने में भी सक्षम होंगे, और अपना जहाँ भी होंगे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ध्येय क्या है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि शून्य का आविष्कार करके और अंतरिक्ष तक मेरे पूर्वजों ने जो कुछ किया था, मेडिकल साइंस में जो कुछ किया था, गणित में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमने जो अचीवमेंट्स थी, जिनको हमने पिछले 1500 साल में भुला दिया, वो ग्रंथों में हैं। उनको ही ले जाके जर्मन और अमेरिका और यूरोप आगे बढ़ाए, रूबरू की करवाया जाए बच्चों को। तो हम उनको विश्वास पैदा फिर से हों कि हम महान थे, कहने से काम नहीं चलेगा, यूं थे महान।
उसको साइंटिफिक दृष्टि से प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा। आज हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक गौरव महसूस करें हम भारतीय हैं और हम कुछ पिछड़े नहीं हैं। आज की तारीख में हमारे यहाँ अमेरिका के 30 लाख भारतीय 30 करोड़ की आबादी में क्यों अपना नाम पैदा कर पाए? क्योंकि उन्होंने नासा हो, डॉक्टर हो, 2 लाख डॉक्टर हैं। अमेरिका की मेडिकल सिस्टम आधा हमारे यहाँ पर आधारित है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे पर आधारित, बिल्कुल ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे पर आधारित हो गई, तो क्यों? इसका मतलब हमारी क्षमता है, उस क्षमता को इस देश ने खुद नहीं पहचाना, उसको उभारने का आप काम कर रहे हैं। उभारने का काम हम भी कर रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और सभी राज्य भी कर रहे हैं। चलिए, हमारे आज के अग्रदूत हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक ब्रेक। नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम, इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहासे जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अग्रदूत कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से, जो जाने माने समाज सेवी हैं और अगर कहा जाए अग्रवाल समाज के साथ साथ पूरे समाज के गौरव हैं तो शायद गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपने बताया कि आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हैं लगातार और अग्रवा विकास ट्रस्ट के भी आप एक तरीके से फाउंडर मेंबर रहे हैं, साथ में और कई संस्थाएं अग्रवालों की, तो अग्रवा विकास ट्रस्ट के अंदर क्या आप लोग कर रहे हैं, उसका क्या काम काज है? मैं समझता हूँ कि दिल्ली में जब पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर अग्रवाल सम्मेलन का गठन हुआ तो पहले दिन से मैं जुड़ा, और महाराजा अग्रसेन को ऐतिहासिक पुरुष है ये मान्यता भारत सरकार से हमने दिलवाई जब उन पर डाक टिकट निकला, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन साहब ने विज्ञान भवन में उस कार्यक्रम में डाक टिकट का विमोचन किया, तो मेरा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस समय मात्र 22 साल का था। अग्रोवा का पुनर्निर्माण हो उसके लिए पहली ईंट रखने के समय में भी बनारसीदास जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के 1975 में, तो उस दिन से मैं वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो लगभग 300 एकड़ में बना है, चल रहा है बढ़िया, उसका भी मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रहा। तो मुझे अपने समय से पहले समाज ने मान्यता भी दी, आशीर्वाद भी दिया, इसलिए पूरे देश के अंदर जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है उसका मैं एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा और पूरे देश के कार्यक्रमों में आने जाने का अवसर मिला। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा आज के टाइम में बड़ी मुश्किल है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि निश्चित तौर पर ये आपकी जो मेहनत का नतीजा है कि आपको सम्मान मिला, लेकिन राजनीति के साथ साथ समाज सेवा और परिवार, तीनों चीज़ों में तालमेल बैठाना कुछ मुश्किल जरूर होता होगा, किस तरह की मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ी? मुश्किल तो यही ना कि व्यापार में जिस गति से बाकी लोग आगे बढ़े तो हमारा समय तो वही है, सबके पास सामर्थ्य भी वही है, तो उस दृष्टि से हम आज पीछे रह गए, क्योंकि मेरे पास यदि 12 घंटे काम करने के हैं उसमें से मैं 3-4 घंटे समाज को दूँ, 3-4 घंटे राजनीति को दे दूं, तो व्यापार के लिए तो फिर 3-4 घंटे ही बचेंगे। तो आज उस दृष्टि से यदि हम समझें, परंतु रुपया कमा के भी लोग नाम कमाते हैं, तो हमने भगवान की कृपा से नाम कमा लिया, रुपया बेशक कम कमाया, नाम शायद उनसे ज़्यादा कमा लिया जिन लोगों के पास धन है, तो कोई उसकी राजनीति में ज़रूर दिक्कत है। जातीय संगठन में काम करते हुए राजनीति में माइनस पॉइंट है खासतौर पर अग्रवाल के लिए, क्योंकि अग्रवाल बुद्धिमान है, वो बिना सोचे समझे पीछे नहीं चलता किसी के, और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए दिक्कतें बहुत हैं और राजनीतिक समूह में चलते सिर गिने जाते हैं, और अग्रवाल समाज के सिर गिनने हों
तो इकट्ठे करना बहुत टेढ़ा काम। लेकिन आप 8 साल विधायक, आप 3 बार विधायक रहे हैं, 8 साल तक निगम पार्षद रहे हैं, तो मैं यूं उस दृष्टि से मैं 1972 से और आज तक राजनीति में एक बूथ स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर खूब काम किया है, एंजॉय भी किया है और एक नाम भी अफसरों में या राजनीतिक पार्टियों में विरोधी भी ये कहें कि औरों से ये अलग है, कांग्रेस में भी हमारे कोई प्रशंसक ही निकलेंगे, कोई बुरा कहने वाला नहीं निकलेगा। तो राजनीति में पर बड़ा मुश्किल काम, मतलब आपकी ईमानदारी से समय लगाते हुए समाज सेवा करने को जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो आज के समय में शायद उतनी नहीं मिल रही, इसीलिए धीरे धीरे अच्छे लोग राजनीति से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अब नहीं आ रहे। मेरे ज़माने में ग्रेजुएट से कम कोई जनसंघ में नहीं आता था और आज सब कुछ लोग पढ़े लिखे हैं परंतु ज़्यादातर लोग अंडर ग्रेजुएट हैं जो नेता बन गए, कुर्ता पजामा लंबा पहनेंगे, सुबह गाड़ी लेके निकलेंगे, पैसे की राजनीति करेंगे, उसके कारण से समाज सेवा देके और पैसा कमाने के लिए इसे समाज सेवा वाला जो पक्ष है वो धीरे धीरे धूमिल हो गया, कहीं धूमिल होता जा रहा। और किसी से पूछो इससे पहले तुम क्या किया समाज के लिए, तो शायद आप पत्रकार हैं, किसी से पूछेंगे अगर वो 2-4 चीज भी गिना पाए पिछले 10 साल में जो राजनीति में आए हैं कि मैंने ये किया, वोट मांगने में याद आ जाता है इन्होंने बनियों को किसी ने ये कह दिया, परंतु तुमने या तेरे पिताजी ने आज तक इस समाज के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो शायद एक भी नहीं बता पाएंगे। हम इस बात को थोड़ा सा फिर दोबारा अपने पुराने मुद्दे पर लौटते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं आगे जीवन में, तो क्या बताएंगे कि अभी जीवन में आगे क्या और करना चाहते हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं जिससे कि समाज आगे बढ़ सके और समाज सेवा का जो आपका काम है वो और तेज गति से आगे चल सके। अब मैं क्योंकि 67+ हूँ तो मैंने अपनी राजनीतिक एम्बिशन खासतौर पर चुनाव लड़ने की राजनीति से अपने आप को मुक्त कर लिया है पिछले 1 साल से, और अब मेरा केवल फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहकर लोगों की, अधिकतम उन लोगों की जिनके पास साधनों की कमी है। शिक्षा भी आज महंगी होती जा रही है, साधन वाले लोगों के पास जल्दी जाती है, पर तो ऐसे अभावग्रस्त लोग जिनके पास पैसे की कमी है वो मेरे संपर्क में लोग आप जैसे ला सके लाते रहे, हम उनको विश्वविद्यालय में जो कंसेशन चाहिए वो दे के उनको पढ़ाना चाहते हैं, और वो जब अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो वो अपने बदले में 2 बच्चों को पढ़ाने की हाँ मेरे से भर जाए, इतनी मैं केवल उनसे चाहता हूँ। इसी ढंग से स्वास्थ्य के क्षेत्र आज हार्ट की बीमारी हो जाए 2-2.5 लाख से कम ऑपरेशन नहीं होता, हमारी कोशिश आज भी है कि दिल्ली में सबसे सस्ता बढ़िया से बढ़िया इलाज महाराजा अग्रसेना हॉस्पिटल में हो, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। इन 2 क्षेत्रों में क्योंकि आज दोनों ही महंगे होते जा रहे हैं, एक बार कोई हॉस्पिटल आ जाए और ICU में चला जाए तो 15-16 हज़ार 20 हज़ार रुपये रोज का खर्चा है। मैं जो मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर और एक अपील करना चाहूँगा लोगों से, जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने, कि एक तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और केवल समाज सेवा में अपना पूरा आगे का जो समय है, आगे का जीवन है, उसको व्यतीत करेंगे, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि अगर कोई गरीब बच्चा है शिक्षा से वंचित ना रहे, उसको कम से कम पैसे में पढ़ाने का वादा डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने किया है कि अपनी यूनिवर्सिटी में वो उसको कम से कम पैसे में शिक्षा मुहैया करवाएंगे, और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से वो वादा करें हमारे अग्रदूत कार्यक्रम के जरिए कि जो बच्चे ऐसे आएंगे उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे, बशर्ते कि वो 2 बच्चों को अपने जीवन में आगे पढ़ाने की बात करें। गर्ग साहब, महाराज अग्रसेन विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से केवल 50 मिनट दूरी पर, कारका रेलवे स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पर बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय हमने बनाया है, जिसमें आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और बाकी विषय तो हैं ही, फार्मेसी, सब विषयों की पढ़ाई है। जो होनहार बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे, जिनका सरकार के जो मापदंड है शिक्षा वो हो परंतु साधन ना हो, उन ऐसे बच्चों को जैसी जैसी आवश्यकता होगी, निशुल्क वाले को निशुल्क, कम शुल्क, आधा शुल्क, चौथाई शुल्क, जैसी जिसकी उस तरीके से आप शिक्षा देंगे, वो शिक्षा देंगे ऐसे बच्चों के लिए। हम अपने टोटल जो हम आएंगे बच्चे उनमें से 10-15% बच्चे ऐसे जरूर लेंगे, बाकी तो सरकार के मापदंड पे आएंगे क्योंकि चलाने के लिए बिल्कुल ठीक है खर्चा जो चाहिए, परंतु कोई हमारे संस्थान जहाँ मैं हूँ वहाँ प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो सकता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं।
इसलिए जिनके ध्यान में ऐसे बच्चे आ जाएं, जैसे आजकल अखबार वाले बहुत मदद कर रहे हैं कि बच्चे के 95% नंबर आए, उस पर पैसे नहीं है फीस जमा कराने, तो तुरंत आप देखते होंगे अगले दिन 10-20 ऑफर आ जाती हैं। तो समाज में ये जागरूकता आई और आनी चाहिए, जिनके पास है उनको उन लोगों के लिए खर्चा करना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि गरीब को सक्षम बनाएं। तो उसी के लिए हम आज एकल विद्यालय चला रहे हैं 50,000 स्थानों पर। ये तो जो आपने तो जिक्र किया ना महाराजा, मैं संघ के संस्थानों में इससे भी ज़्यादा काम चल रहा है। विद्या भारती के 30,000 स्कूल हैं, गौ सेवा में हम बहुत बड़ा इन्वॉल्व हैं। गौ सेवा दिल्ली में आज लगभग 15,000 गायों की सेवा हमारी बवाना और हरेवली में चल रही है। बिल्कुल इसी ढंग से एक हमने अपना घर बनाया जहाँ पे जिसका कोई नहीं है, छोड़ गए, गला सड़ा शरीर है, जिंदा उसको हम आज लगभग 300 लोगों को उसमें मदद कर रहे हैं। परंतु ये सब हमारे अपने मन की, जो तुलसीदास जी के ना स्वांताय सुखाय, तो गोवर्धन में काम चल रहा है, पढ़ाने का भी, यात्रा का भी, और रहने की व्यवस्थाएं वृंदावन में भी, हरिद्वार में भी, सालेसर में हनुमान जी का तीर्थ। तो ये हमारी मल्टी फेरियस एक्टिविटी हैं जिसमें अधिकांश लोग 90% अग्रवाल समाज के हैं, परंतु हमने बाकी लोगों को भी हर जगह जोड़ा है, साथ लेके हर तबके को, हर वर्ण को, हर पूरा देश आगे बढ़ेगा जब भी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम जाति से लोग ऊपर उठें, प्रांत से ऊपर उठें। मैं यही आपसे सवाल मेरा एक और था कि आप क्या अपील करना चाहेंगे समाज को और पूरे देश के लिए कि जो लोग तरक्की में भागीदार बन सकें और समाज सेवा के अंदर। क्यों अग्रवाल वो है जो सबसे आगे चले, अग्रदूत भी वही है, और इसीलिए लक्ष्मी निवास मित्तल आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टील पैदा करता है, तो सबके लिए काम कर रहा, पूरे विश्व के लिए। स्वराज पाल हैं, विनोद गुप्ता हैं, अमेरिका में आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, जहाँ गए, मॉरिशस में तो प्रधानमंत्री भी वैश्य समाज के हैं। तो हम तो उसी बात को मान के चलते हैं, हम सबसे आगे रहकर खूब कमाएं, कमाने के बाद उस धन को, समाज का धन है, हम ट्रस्टी हैं जो गांधी जी ने कहा था, और समाज के ऊपर दोबारा खर्च करते रहें, समाज में समरसता रहे, भाईचारा रहे, सब मिलके रहेंगे तो इस देश का जो खोया हुआ वैभव है, जो हर्षवर्धन गुप्त के टाइम में सब में कहते हैं ना कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, ताला कोई नहीं लगाता था, तो आज कैसा देश बन गया है, ठीक करने कोई विदेशों से नहीं आएंगे, विदेश तो लूटने आए थे, आज हम इस देश को बहुत बहुत उसी रूप में फिर लाना है। तो इसके लिए ऐसा संकल्प बहुत अच्छा है, और महाराजा अग्रसेन का भी यही पैगाम था कि एक रुपया और एक ईंट देकर जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनको अपने साथ लाया जाए। जैसे डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने बात की, विवेकानंद जी का उदाहरण दिया या दूसरे नेताओं का उदाहरण दिया और अच्छे बिजनेसमैन का उदाहरण दिया, और जी नरेंद्र भाई भी विवेकानंद वाला ही नाम है, उसी ढंग से स्टार्टअप स्किल ये सारे क्या काम है, इन सब कामों में सब मिल के काम करें। मोदी जी भी वैसे वैसे समाज के ही हैं, ये सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति, और अमित शाह भी उसी समाज से हैं, तो मैं तो बीजेपी इसलिए यार मैं तो बाकी पार्टियों से भी सबसे कह रहा हूँ यही सोच लेके आगे बढ़े हैं, मिलके चलें, राजनीति लड़ाई साइड साइड लड़ते रहें, परंतु ध्येय सबका एक ही होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्रदूत कार्यक्रम में पधारने के लिए, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से हमने उनके विचार जाने, और अगले कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर किसी नए शख्स से हम रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि अग्रदूत कार्यक्रम में उनको कैसे उन्होंने समाज के लिए सेवा की है और आगे उनका क्या लक्ष्य है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।